Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today lecture number 22 and we are going to start poem number 12, Rubaiyat, which is written by Dr. Allama Muhammad Iqbal. So today we will just discuss the introduction of the poet and the poem. So ki poem jo hai wo kiske bare mein hai, uska theme kya hai, aur Allama Muhammad Iqbal jo hain wo ek Pakistani keh lein ki musalman poet the. So unke bare mein hame jo hai wo briefly aap keh lein ki detail mein usko jo hai wo discuss karenge aur is poem ka introduction bhi. So in the next lecture we will discuss inshallah its poetry, its lines, its verses. Introduction of the poem or poet. So this poem Rubaiyat, so this poem has three rubaiyat in the poem, yani ki is poem mein, is nazm mein teen rubaiyat hain. Aur first rubai jo hai gives the lesson of true faith and its importance, ki jo pehli jo rubai aati hai wo hame kya lesson deti hai ki jo insaan ka musalman ka jo true faith hai, uska jo aqeeda hai sachcha wo, aur uski ahmiyat, yani ek musalman ki uske aqeeda jo hai ya allah par iman jo hai wo kitna ahem hota hai ya kitni ahmiyat rakhta hai. First rubai hame ye lesson deti hai. Aur second rubai gives the lesson of unity to muslims, aur jo second rubai hai wo hame kya sabak deti hai ki jo musalmanon ka ittehad hai, unka muttahid hona kitna zaruri hai unki life mein, उनकी ज़िंदगी में, और किस कामयाबी जो है इंसान मुसलमानों की वो उनकी इत्तेहाद में है, उनके मुत्तहिद होने में है. थर्ड रुबाई जो है वो लेमेंट्स ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स फेथ. अब वो है जो अफसोस करते हैं अल्लामा इकबाल उसके ऊपर कि इंसान मुसलमानों का जो ईमान है वो पहले जैसा नहीं रहा, उनकी जो करंट सिचुएशन है, जो मौजूदा हालत है वो इस कदर गिर चुकी है, ख़राब हो चुकी है. किस वजह से? कि उनका ईमान अल्लाह पर नहीं रहा, उनका ईमान पुख्ता नहीं रहा. सो सर मोहम्मद इकबाल जो हैं वो November 9, 1877 में ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज डाइड ऑन April 21, 1938. Also known as Allama Iqbal was a philosopher. अच्छा, वो जो है अल्लामा इकबाल जो है वो एक फिलासफर भी थे, पोइट एंड पॉलिटिशियन यानी सियासतदान भी थे, हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज हैविंग इंस्पायर्ड द पाकिस्तान मूवमेंट. और जो पाकिस्तान की तहरीक चली, पाकिस्तानी तहरीक, उसमें उनका किरदार बहुत अहम था. उन्होंने मुसलमान कौम को जगाया और उन्हें बताया कि उनके लिए अलग वतन की ज़रूरत है, जहाँ वो अपने अकीदे और ईमान के मुताबिक अपने मजहबी फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दे सकें. His famous works in Persian are Asrar-e-Khudi. उनके जो मशहूर उन्होंने राइटिंग्स हैं उनमें जो पर्जियन में फारसी में वो Asrar-e-Khudi हैं, प्याम मशरक एंड ज़बूर अजम. और his well known उर्दू works are बांगे दरा. जो उर्दू की राइटिंग्स हैं उनमें बांगे दरा है, बाल जबरील है और ज़रब करीम है. बहुत मशहूर बुक्स हैं और मोस्टली जो बच्चे हैं और जो लोग हैं वो जानते हैं इनके बारे में. सो ही इज़ द वेरियस उर्दू एंड इंग्लिश लेक्चर्स एंड लेटर्स हैव बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन कल्चरल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ओवर द ईयर्स. यानी कि जितने साल गुजर चुके हैं उन जितने भी इस तरह के अगर कोई तनाज़ात आपके सामने आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं जो कल्चर के हवाले से हों और या माशर्ती या मजहबी या सियासी हों, तो उस हर हवाले से उनके जो राइटिंग्स हैं उनसे हमें गाइडलाइंस मिलती हैं. उन्होंने सारे मतलब और टॉपिक्स के ऊपर जो है वो राइट किया हुआ है. इकबाल इज़ रिगार्डेड एज द शायर मशरक, यानी मशरक का शायर उनको जो है वो कहा जाता है. फिर मुफक्कर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, हकीमुल उम्मत के नाम से जाना जाता है, और ही इज़ नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं. सो ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन उर्दू लिटरेचर, यानी कि जो हमारा उर्दू अदब है उनमें वो सबसे अहम जो है वो उनको समझा जाता है. उसके बाद ही वॉज़ अ ग्रेट पोइट, बहुत मशहूर यानी अजीम कह लें शायर थे, एंड ऑल्सो अ ग्रेट फिलासफ़र, और बहुत अजीम फिलासफ़र भी थे. ही वॉज़ वेल वर्स्ड इन ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न फिलासफ़ी. अच्छा, उन्होंने जो है उनकी जो शायरी है वो ना सिर्फ आप उनके फिलासफ़ी ना सिर्फ आपको मशरकी नज़र आती है बल्कि मगरबी हवाले से भी हम देखें तो उन्होंने मगरब के ऊपर भी बहुत जो है वो फिलासफ़ी के ऊपर राइट किया है. ही स्पेंट मच पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन स्टडी ऑफ इस्लाम. उन्होंने अपना ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इस्लाम का मुताला करने में गुजारा, और ये सब हमें उनकी पोइट्री में नज़र आता है कि उनकी पोइट्री में हमें इस्लाम के हवाले से जिस तरह मुसलमानों को उन्होंने गाइडलाइन मुहैया की, जो वक्त था मुसलमान
जो है वो कौम सोई हुई थी उसको जगाया, और ये सारा कुछ उनको कैसे, उन्होंने इस्लाम की तरफ कैसे रागब किया, उनके पास नॉलेज था इस्लाम का, स्टडी थी इस्लाम की, इस वजह से उन्होंने मुसलमानों के इस तरफ जो है वो रागब किया। जब इंसान खुद अमल करता है तो ही किसी को उस तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, किसी को जो है वो जाहिर सी बात है, किसी को आप दलीलें देंगे तो वो आपकी बात को मानेगा ना। तो उनकी पोइट्री में हमें वो चीज़ नज़र आती है। सो रुबाइयात बेसिकली क्या है? रुबाइयात अ कलेक्शन ऑफ रुबाई इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्शियन पोइट्री। ये एक कह लें कि फारसी शायरी की एक शक्ल है, और जो रुबाइयात हैं वो रुबाई को जमा किया जाता है, तो रुबाइयात है, रुबाई की जमा रुबाइयात है, और ये फारसी शायरी की एक शक्ल है। सो रुबाई इज़ द स्टैंजा ऑफ फोर लाइन्स। तो एक रुबाई जो है वो कहते हैं एक स्टैंजा होता है, स्टैंजा फोर लाइन्स का, यानी कि चार लाइन सेंटेंस होते हैं उसके अंदर एक रुबाई में। दिस पोइटिक फॉर्म इज़ मोस्टली यूज इन पर्शियन, अरबिक एंड उर्दू। और ये जो शायरी शक्ल है शायराना, वो ज़्यादातर यूज इस्तेमाल की जाती है फारसी में, अरबी में और उर्दू में। द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ सच अ कलेक्शन इज़ द रुबाइयात ऑफ उमर खयाम। उमर खयाम की जो रुबाइयात हैं वो बहुत मशहूर हैं इस हवाले से, उसने बहुत खूबसूरत जो है वो शायरी की है अपनी रुबाइयात में, उमर खयाम की जो है उसने। सो इकबाल पोर्ट्रेज, अब इसके हवाले से हम देखेंगे ये जो पोइम राइट की है रुबाइयात अल्लामा इकबाल ने, हम उसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लेंगे कि उस वो क्यों राइट की उन्होंने, उनका थीम क्या था इसके अंदर। सो इकबाल पोर्ट्रेज अ ब्लीक पिक्चर ऑफ द मुस्लिम्स इन दीज रुबाइयात। इकबाल ने क्या तस्वीर कशी की है, जो ब्लीक पिक्चर है यानी एक तारीख तस्वीर पेश की है मुसलमानों की इन रुबाइयात के अंदर, यानी मुसलमानों की तारीख तस्वीर, यानी कि कह लें कि उनका जो इग्नोरेंस का पीरियड था, जब वो इग्नोरेंस की ज़िंदगी, जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, या कह लें कि तारीकी में थे, यानी उनके ऊपर गलबा था वेस्ट का, मगरिब का, और वो उनको जगा रहे थे कि हमने मगरिब को फॉलो नहीं करना, हमने उनके नीचे दबकर नहीं रहना, हमने अलग से हमें एक मुल्क चाहिए जहां हम सर उठाकर जी सकें और अपने मजहबी जो भी अकायद हैं उन पर कायम रह सकें और अपने मजहबी फ़राइज़ को अंजाम दे सकें और हम दुनिया में आगे बढ़ें, हम दूसरों के पीछे मत लगें। ही सीज़ उन्होंने देखा, देखते हैं कि दैट दे डू नॉट हैव डीप एंड ट्रू लव फॉर देयर रिलीजन एंड फेलो ह्यूमन बींग्स। अब वो क्या देखते हैं कि जो मुसलमान है वो उसका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो ना तो सच्चा है ना ही गहरा है अपने मजहब के लिए, यानी मजहब से। कोई भी कौम जो है वो तबाह तभी होती है जब वो अपने मजहब से दूर हो जाती है, अपने इस्लाम, अपने रिलीजन से दूर हो जाती है। जैसे हमारा मजहब इस्लाम है, तो आज का मुसलमान अगर पीछे की तरफ जा रहा है या वेस्ट के अंडर आ रहा है या दूसरे कौमों के नीचे आप कह लें कि हम पीछे जा रहे हैं दूसरी कौमों से, तो इसकी वजह भी यही है कि हम अपने मजहब, अपने इस्लाम से दूर हो चुके हैं। सो इल्लामा इकबाल की जो पोइट्री है, जब इल्लामा इकबाल ने ये रुबाइयात राइट की, तो वो भी ये देखते हैं कि जो मुसलमानों का प्यार मोहब्बत है अपने मजहब के लिए, वो गहरा और सच्चा नहीं रहा और ना ही अपने साथियों के लिए, यानी मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बन चुका है, यानी उसको फिक्र ही नहीं है। अगर एक मुसलमान के साथ कोई मसला है तो उसको कोई परवाह ही नहीं है कि दूसरा मुसलमान मुश्किल में है और मुझे उसकी मदद करनी है। सो इस वजह से उन्होंने जो है ये रुबाइयात के अंदर इस थीम को लिया है। द मुस्लिम्स हैव लॉस्ट ऑर्डर एंड दे आर कन्फ्यूज्ड। उन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो, उनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है, और वो इंतशार का शिकार हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या करना है। They do not have warmth of sincerity in their prayers. और उनकी नमाजों में वो सच्चाई नहीं है, वो कहते हैं warmth of sincerity का मतलब कि वफादारी से नहीं पढ़ते, कह लें कि पूरे दिल से नहीं पढ़ते उसके अंदर, वो गर्मी, वो हिद्दत, वो लगन नज़र नहीं आती उनकी नमाजों में। सो इकबाल्स ग्रेटेस्ट सर्विस टू द मुस्लिम्स वॉज दैट ही रीअवेकन्ड देम टू फेस द हार्ड फैक्ट्स and problems of their religious, social and political life in the light of Islam. So Iqbal ki jo sabse zyada khidmat hai musalmanon ki wo ye hai, yani jo azim kaam unhone anjam diya wo ye ki musalmanon ko jagaya, unke wo samna kar saken in mushkilat ka, jo haqaiq hain, mushkil haqaiq hain, jo masail hain unke religion mein, mazhab ke hawale se, maashrati ya siyasi zindagi ke, Islam ki roshni mein, yani unhone insaan musalmanon ko जगाया कि वो हर जिंदगी के हर पहलू को इस्लाम की रोशनी में देखें और उससे जो है वो हदायत लें ताकि वो जिंदगी में और दुनिया में आगे बढ़ सकें और कामयाबी हासिल कर सकें।
bitterly opposed the alien elements which were hostile to the creative, active, mobile, and realistic approaches of Islam towards life, but which somehow crept into Muslim community. Now he is talking about ki wo cheeze jo dushman thi, hostile thi, wo jo Islam ke khilaf thi, yani ki Islam ki jo creative, active, mobile aur jo hakiki approach hai zindagi ke taraf Islam ki, kehte the, unhone kaha ki unhone bahut mukhalifat ki un cheezon ki. Bitterly opposed means sakht mukhalifat karna. Alien elements, wo anasir jo ajeeb the, jo namunasib the, which were hostile to the jo dushman the, jo kiske dushman the, creative yani ki jo takhleeqi hain, jo sargaram hain aur jo haqeeqi approaches hain Islam ki zindagi ke liye, unke jaahir si baat hai kuch aise anasir zindagi mein shamil unhone kar liye jo Islam ke khilaf the. तो लेकिन किसी तरह से विच समहाउ क्रैप्ड इनटू मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन इस मुसलमानों की जो कम्युनिटी थी, लोग थे, उसमें वो किसी तरह से दाखिल हो चुके थे. तो उन्होंने उन चीज़ों की सख्त मुखालफत की और लोगों को ये हदायत दी कि और गाइडलाइंस दी, और अपनी शायरी के थ्रू उन्हें ये बताया कि वो जागें और अपने आप को संवारें, संभाल लें, वक्त को हाथ में लें. So Iqbal used poetry as a platform to preach true ideologies of Islam. अब इकबाल ने जो है पोइट्री का इस्तेमाल कैसे किया, या उन्होंने एज अ प्लेटफॉर्म उसको यूज़ किया कि वो तबलीग कर सकें जो सच्चे नज़रियात हैं इस्लाम के, उसके लिए. ही यूज हिज पोइट्री मेनली टू स्टर द स्लम्बरिंग मैसेज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड थ्रू थॉट प्रोवोकिंग एंड डीप रूटेड फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड रिलीजन. अच्छा, उन्होंने जो है पोइट्री का इस्तेमाल क्यों किया कि वो ख़ासतौर पर स्टर द स्लम्बरिंग मैसेज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया की जो सोई हुई अवाम थी, कौमें थीं, स्लम्बरिंग मैसेज, सोई हुई कौमें, अवाम, उनको हलचल डालने के लिए, उनको जगाने के लिए. स्टर मीन हलचल डालना, होश मिलाना. सो उनको होश मिलाने के लिए, जगाने के लिए, नींद से उठाने के लिए उन्होंने पोइट्री का इस्तेमाल किया. थ्रू थॉट प्रोवोकिंग एंड डीप रूटेड फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड रिलीजन, जो जिंदगी और मज़हब के हवाले से जो सोच पैदा करने वाली, थॉट प्रोवोकिंग सोच पैदा करने वाली, और जो जड़ से इंसान की कह लें कि जो इन हमारी जो बेसिकली जो हमारी रूट्स हैं उसके हवाले से जो फिलोसफी है इस्लाम के हवाले से, और ज़िंदगी हमारी जो है उस हवाले से, उन्होंने वो चीज़ें अपनी शायरी में पेश की ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और अपने मज़हब से जो है वो मोहब्बत और अकीदत पैदा हो और वो अपने लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करें. ही यूज्ड पोइट्री एज अ वीपन ऑफ वर्ड्स टू इवोक द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड फर्म फेथ इन द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. अच्छा, उन्होंने पोइट्री का इस्तेमाल किया किस लिए, कैसे किया, कि उन्होंने अपने वर्ड्स को, अल्फाज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया अपनी शायरी में, कि क्या पता करने के लिए, जगाने के लिए, इवोक करने के लिए, स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड फर्म फेथ, जो सॉरी एक स्पिरिट पैदा की उनके अंदर, रूह फूंक दी नहीं, खुद पर एतमाद की और पुख्ता ईमान की इन द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के मुसलमानों में. ही वॉन्टेड दैम, वो चाहते थे कि जो लोग हैं टू कीप देयर ओन ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशन इंटैक्ट. इंटैक्ट मीन बरकरार रखना, कायम रखना, कि जो उन लोगों की, मुसलमानों की अपनी जो रवायात हैं, जो ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस हैं, अपनी रस्म व रिवाज हैं, उनको कायम रखें. वेस्ट को फॉलो या मगरिब को फॉलो मत करें. इकबाल्स पोइट्री अराउज द होल नेशन, जो इकबाल की शायरी थी उसने जो पूरी कौम थी उसको जगा दिया, उसको जो है वो आप कह लेंगे नींद से उठा दिया. Iqbal has condemned the moral hollowness and materialistic attitude of the modern society. अब इकबाल ने जो है वो कंडेम किया, मुजम्मत की है जो इखलाकी, moral hollowness means इखलाकी खालीपन की, and materialistic attitude, और जो मादियत परस्ती है या मादी रवैया है of the modern society, जदीद माशरे का, उसकी, यानी अलामा इकबाल ने मुखालफत जो की है वो ये कि आज का इंसान जो मुसलमान था वो उस वक्त का वो इखलाकी तौर पर खाली हो चुका था, उसमें इखलाकियात नाम की चीज़ ही नहीं थी, और वो सिर्फ मादियत परस्ती की तरफ जो है वो मूव कर रहा था, बढ़ रहा था, उससे उसमें इस्लाम की और इखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और इसकी उन्होंने बहुत मजम्मत की. ही लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ फेथ,
लिमिट्स मतलब मातम करना, अफसोस करना, उन्होंने जो है वो अफसोस किया किसके ऊपर, ओवर द लॉस ऑफ फेथ, यानी कि जो ईमान है उसके नुकसान पर, यानी ईमान का खात्मा उसके ऊपर, विच मैप्स आउट द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन सोल, ह्यूमन सोल इंसानी रूह, यानी जो इंसानी रूह को सिमत देता है, फेथ हमारा ईमान जो होता है वो ही हमारी जो रूह है उसको डायरेक्शन देता है कि उसने क्या करना है, उसको सिमत का बताता है। तो जब वही आप में ना रहे या वही ख़त्म हो जाए तो फिर जो है वो इंसान की रूह या इंसान भटक जाता है। तो वो उन उसको इंसानों हम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे। ही थिंक्स दैट इन दिस मॉडर्न एज ऑफ मटीरियलिज्म एंड फैसिनेशन स्ट्रॉन्ग फेथ लाइक दैट ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज़ नीडेड। अच्छा, वो सोचते हैं कि जो जदीद दौर है किसका, मादियत परस्ती का और फैसिनेशन इन दिलकशी जो होती है, जो तखयल परस्ती होती है उसके हवाले से, के तखयलाती ज़िंदगी के हवाले के लोग जो हैं वो बस ख्याली दुनिया में रहना पसंद करते हैं और सिर्फ ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, उन्हें ये साफ दिलकशी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हकीकत से मावरा जो ज़िंदगी होती है। सो वो चाह उन्होंने ये देखा कि ये जो जदीद दौर है ये दिलकशी का और तखयलाती और मादियत परस्ती का, इसमें जो मुसलमान हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग फेथ यानी पुख्ता इरादे की, पुख्ता ईमान की, लाइक दैट ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उसकी किसकी ज़रूरत है कि जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहा कि अपने बेटे को ज़िबा कर दें, तो उन्होंने आंखें बंद करके जो है वो अल्लाह की राह में उनको कुर्बान कर दिया, और उन्हें यकीन था, ईमान था उनका कि अल्लाह पाक की इसमें यकीनन कोई ना कोई हिकमत है और वो अल्लाह उनके साथ है और कुछ ना कुछ यकीनन अच्छा होगा। और जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनका साथ देगा और आग जो है वो उनके लिए ठंडी पड़ गई। सो यकीन बेसिकली उस इंसान में, मुसलमान में, इलामा इकबाल जो है वो यकीन की बात करें कि उनका ईमान अल्लाह पर कमज़ोर हो चुका है और उनको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ईमान की ज़रूरत है। He emphasizes that Muslim harmony depends upon true faith in Islam. अच्छा, वो जोर देते हैं कि जो मुस्लिम मानों की जो हम आहंगी है वो किस चीज़ पर बेस करती है, कि उनका जो पुख्ता ईमान है इस्लाम पर वो। The European lack faith and spirituality, that is why there is no harmony among them. कहते हैं कि जो यूरोपियन हैं उनमें ईमान और रूहानियत की कमी है जिसकी वजह से उनमें हम आहंगी नहीं है। Muslims have become mad in pursuit of Western culture and have lost their identity and dignity as a nation. अच्छा, अब जो इलामा इकबाल ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो पागलों की तरह जो है वो पीछा कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं जो मगरबी जो सकाफत है और कल्चर है, और अपनी जो शनाख्त है और जो अजमत है बहैसियत कौम वो खो चुके हैं। और हम ये तो इलामा इकबाल तो आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं और हमें आज वो चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। वो उस वक्त भी यही लोग यही कुछ कर रहे थे, तो उस टाइम थोड़ा कम था, तब भी उन्होंने मतलब उन्हें इतनी टेंशन से और इतनी फिक्र थी उन्हें मुसलमानों की, उन्होंने इस तरह की थ्रू अपनी इन चीज़ों को बेस रखा और थीम रखा और वो चीज़ें राइट की, अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को अवेक किया, जगाया उन्हें। और हम ये चीज़ें देखते हैं कि आज का मुसलमान भी यही कुछ कर रहा है कि वो सिर्फ मगरब के पीछे दौड़ रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं है कि उसकी अपनी शनाख्त और अपनी अजमत जो है वो हो चुका है, वो ख़त्म हो चुकी है, जिसे वापस जो है वो सिर्फ इस सूरत में लाया जा सकता है कि वो इस्लाम को फॉलो करे और अल्लाह पर ईमान रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो डिस्कस किया है पोइम का जो इंट्रोडक्शन और पोइट का इंट्रोडक्शन, यानी इलामा इकबाल के हवाले से, और उन्होंने जो रुबाइयात राइट की हैं उसमें उनका थीम क्या था और बेस क्या थी, जो वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। सो इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रुबाइयात। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।